ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले में जैसे हम बताए थे आपको कि डिजिटल डिजिटल वाट मीटर के बारे में बोले थे ना कि इस चैप्टर में डिजिटल वाट मीटर पढ़ना है, लेकिन डिजिटल वाट मीटर के अलावा भी पढ़ना है इसमें। जैसे ये आप कंटेंट देखेंगे तो इसमें क्या है, ये वाट मीटर वाले में पढ़ेंगे डिजिटल वाट मीटर, यही बस बाकी था वाट मीटर में। लेकिन एक वाट मीटर का और है जो पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज सर्किट, यानी थ्री फेज के पावर का मापन। और थ्री फेज के पावर का मापन जब भी किया जाएगा वाट मीटर से किया जाएगा ना। अब वाट मीटर से करेंगे तो ये वाट मीटर की ही विधि है, ये वाट मीटर की विधि है, इसको भी पढ़ना है, ये बोला है वाट मीटर मेथड। ठीक, तो वाट मीटर पढ़ें तो यहीं पर शक्ति का मापन भी पढ़ लेंगे इसी चैप्टर में। तो ये आपका एक चैप्टर और खत्म हो जाएगा इसी के साथ, इसी वाट मीटर के साथ ही। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, देख लीजिए। तो हेडिंग है आपका, हेडिंग है विद्युत परिपथों में शक्ति का मापन। नहीं, उसी के आगे है, उसी के आगे अगले हेडिंग डाल लीजिएगा, विद्युत परिपथों में शक्ति का मापन। जहां तक आप लोग लिखे थे ना उसी में लिखिएगा विद्युत परिपथों में शक्ति का मापन, कर लीजिए। हेडिंग है आपका विद्युत परिपथों में शक्ति का मापन। हो गया, विद्युत परिपथों में शक्ति का मापन कितने टाइप से किया जाता है? तो तीन टाइप से किया जाता है। कौन कौन सा टाइप है भाई? तो पहला टाइप होता है आपका वन वाट मीटर विधि, दूसरा होता है टू वाट मीटर विधि, और तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा होता है थ्री वाट मीटर विधि। यानी तीन विधियों द्वारा करते हैं। लेकिन तीन विधियां किस किस कंडीशन में करते हैं? कब वन वन वाट मीटर मेथड का यूज करते हैं, कब टू वाट मीटर विधि का यूज करते हैं, और कब थ्री वाट मीटर विधि का यूज करते हैं? तो वन वाट मीटर विधि जब भी प्रयोग करेंगे तो जब सर्किट कैसी हो, सर्किट बैलेंस हो। बैलेंस का मतलब समझते हैं? बोले भाई, जब सर्किट के ऊपर, जो सर्किट में आपके तीन तार होते हैं, आर वाई बी, तीन कला तारे होती हैं, अगर तीनों कला तारों पर, जैसे ये हमारी कला तारे हैं आर, हमारी कला तार है वाई और हमारी कला तार है बी, इन तीनों तारों के ऊपर जब लोड, यानी इसके ऊपर लोड जैसे लगा हो आपका 3 किलोवाट का, इसके ऊपर भी लोड लगा हो 3 किलोवाट का, इसके ऊपर भी लोड लगा हो 3 किलोवाट का, तो वहां पर एक वाट मीटर विधि द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, शक्ति का मापन कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्यों एक ही वाट मीटर के द्वारा? क्योंकि आपको एक में पता चल जाएगा कि एक में कितनी शक्ति है, तो वही दूसरे में भी होगी, वही तीसरे में भी होगी, होगी ना। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तभी हो सकता है जब तीनों सर्किट के ऊपर एक जैसा लोड हो, तभी इस विधि का यूज करते हैं। आई बात समझ में? लेकिन बात आएगी कि ये थ्री वाट मीटर विधि का यूज कब करते हैं। थ्री वाट मीटर विधि यानी तीनों में वाट मीटर लगाओ, इसमें भी वाट मीटर लगाओ, इसमें भी वाट मीटर लगाओ, इस विधि का प्रयोग कब करेंगे? तो तीनों में जब अलग अलग शक्ति का मापन करना होता है, तीनों के द्वारा जब अलग अलग शक्ति का मापन करना है, तो हम किस विधि का यूज करते हैं? तो हम थ्री वाट मीटर विधि का यूज करते हैं। अभी बात समझे कि इस तार में कितनी शक्ति है, इस तार में कितनी शक्ति आपका है, या ये कितना पावर कंजप्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, थ्री वाट मीटर विधि का यूज करते हैं। लेकिन बात आएगी कि टू वाट मीटर विधि कब यूज की जाती है? तो जब सर्किट बैलेंस हो, जब सर्किट बैलेंस हो, और चाहे क्या हो, चाहे आपका अनबैलेंस हो, चाहे आपका अनबैलेंस हो, यानी सब पर एक समान लोड हो और चाहे ना हो, सब पर एक समान लोड हो चाहे ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जिसका हम यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, टू वाट मीटर विधि बोलेंगे। आई बात समझ में? यानी सर्किट पे एक समान लोड रहे, चाहे सर्किट पे एक समान लोड न रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो पूरी शक्ति का मापन करके देगा। तो ऐसी विधि के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, टू वाट मीटर विधि का यूज करते हैं, और यही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, यही वाला इंपॉर्टेंट है, यही वाला इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछा जाएगा। बाकी ये दोनों नहीं पूछे जाएंगे, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो यही विधि पूछी जाएगी, टू वाट मीटर विधि। तो हेडिंग डाल लीजिएगा वन वाट मीटर विधि से शक्ति का मापन। जी फेज का नाम है, जैसे आपका नाम है ना पवन सिंह यादव, तो
तो क्यों है, क्यों है भाई, बता सकते हैं? नहीं, ये नाम आपको मिला है, ये नाम आपके माता पिता ने दिया है। उसी तरह से इन कलाकारों का भी नाम जो इनके जनरेशन है उनके पिताओं ने दिया है इनका नाम। आई बात समझ में? लो, तो तुम्हारा का है पवन का नाम, बताओ है ना हवा तुम्हारा, तो इसका भी नाम एल्लो है, रेड एल्लो ब्लू। ठीक, कर ला जल्दी करा। शक्ति का मापन तीन प्रकार से किया जाता है, शक्ति का मापन तीन प्रकार से किया जाता है। पहला 1 वाट मीटर विधि, दूसरा 2 वाट मीटर विधि और तीसरा 3 वाट मीटर विधि। इसका कब यूज किया जाता है? जब सर्किट कैसी हो, जब सर्किट बैलेंस हो, यानी सब पर एक समान लोड हो, तब 1 वाट मीटर विधि का यूज करेंगे। जब सर्किट पर एक समान लोड होगा तब किस विधि का यूज करेंगे? तब हम 1 वाट मीटर विधि का यूज करेंगे। ये आप अपने आगे लिख लीजिएगा, ऐसे जब लिखेगा ना इसको, ऐसे अगर लिखना होगा तो इसके आगे लिख लीजिएगा, नहीं तो हम लिख पाएंगे ही। और जब 2 वाट मीटर विधि की बात आएगी कि जब सर्किट कैसी हो, जब सर्किट बैलेंस हो या फिर क्या हो, अनबैलेंस हो, तो उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं? 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं। और जब सर्किट कैसी हो आपका, जब सर्किट के ऊपर कैसा भी लोड हो आपका, बैलेंस हो अनबैलेंस हो या अलग अलग शक्ति का मापन करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए 3 वाट मीटर विधि। जब किसी पर्टिकुलर फेज की शक्ति जाननी पड़ती है, एवं इधर ध्यान दीजिएगा, इस वाले में 2 वाट मीटर विधि क्या किसी पर्टिकुलर सर्किट का बताएगा पावर? वो पूरा बताएगा, पूरा बताता है। 2 वाट मीटर विधि पूरा बताता है कि इस पूरे आपका सर्किट का कितना पावर ये। लेकिन जब हमें किसी पर्टिकुलर सर्किट का पावर ज्ञात करना होता है कि इस सर्किट के द्वारा कितना पावर आपका लिया जा रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? 3 वाट मीटर। आई बात समझ? तो अगर किसी पर्टिकुलर फेज का लेना पड़ता है तो उसके लिए हम 3 वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं। चलो हेडिंग डाला 1 वाट मीटर विधि, हेडिंग डाला 1 वाट मीटर विधि। कुछ नहीं कहे थे लिखने के लिए, बस बोले हैं हेडिंग डाल दीजिए 1 वाट मीटर विधि। कहे थे लिखेंगे तो ठीक, वहां लिखे थे, आगे नहीं लिखे, अब हम लिखवा देते हैं। नहीं, हम का बोल रहे थे, हम कुछ और बोल रहे थे। लिखो भाई, जब जब किसी सर्किट में, जब किसी सर्किट में, जब किसी सर्किट में पावर का मान, जब किसी सर्किट में पावर का मान ज्ञात करना होता है, जब किसी सर्किट में पावर का मान ज्ञात करना होता है और यह सर्किट बैलेंस हो, और यह सर्किट बैलेंस हो, और यह सर्किट बैलेंस स्थिति में हो, बैलेंस स्थिति में हो, जिसका अर्थ है सर्किट पर एक समान लोड हो, जिसका अर्थ है सर्किट पर एक समान लोड हो, जिसका अर्थ है सर्किट पर एक समान लोड हो गया भाई, जिसका अर्थ है सर्किट पर एक समान लोड हो, तो इस स्थिति में एक वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं, तो इस स्थिति में एक वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं। हो गया, आगे चले। तो 1 वाट मीटर विधि में क्या होगा भाई? जैसे आपका कोई कनेक्शन है, ये हमारा कनेक्शन हो गया,
स्टार और डेल्टा टाइप जानते हैं ना क्या होता है स्टार टाइप कनेक्शन और डेल्टा टाइप कनेक्शन। तो ये मान लीजिए स्टार टाइप कनेक्शन है, ये हमारा स्टार टाइप कनेक्शन हो गया। ये कौन सा कनेक्शन हो गया? स्टार टाइप ये। और इस स्टार टाइप कनेक्शन, इस स्टार टाइप कनेक्शन में सब पर अगर एक समान लोड होगा, जितने भी आपके जितने भी यहां पर लगे हुए लोड होंगे, अगर सब पर एक समान लोड है, यानी इस वाले वायर पर जितना लोड है उतना ही लोड इस वाले वायर पे है, उतना ही लोड इस वाले वायर पे है, तो किसी एक पर वाट मीटर लगा देते हैं। किसी एक पर क्या करते हैं? वाट मीटर लगा देते हैं। तो वाट मीटर में एक क्या होता है? करेंट कॉइल, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पोटेंशियल कॉइल। ये दो होते हैं, पहला होता है करेंट कॉइल और दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है पोटेंशियल कॉइल, सीसी और पीसी। पीसी किस में जुड़ता है? पैरेलल में जुड़ता है। तो ये पैरेलल में जुड़ जाएगा किसी सर्किट के। तो ये हो गया आपका क्या? सीसी और पीसी। ये क्या है? पीसी। तो अब इसी से क्या करेंगे? इसी से हम शक्ति का मापन करेंगे। तो एक वाट मीटर हमने लगा दिया कहां? एक कला तार के सीरीज में और इनके पैरेलल में, जो क्या करेगा? इन दोनों के बीच की वोल्टता को और इसमें बहने वाली धारा को मेजर करेगा, जिससे पावर का मान ज्ञात होगा। आई बात समझ में? तो एक वाट मीटर विधि में कितना हमने लगाया वाट मीटर? तो केवल एक वाट मीटर लगाया, तो एक वाट मीटर केवल पावर देगा, तो सिंगल फेज में पावर देगा। तो सिंगल फेज का अगर आपसे पावर पूछेगा तो सिंगल फेज का पावर कितना है? तो P बराबर क्या कह देंगे? P बराबर कह देंगे W। मान लीजिए कि ये W वाट मीटर है। अगर आपसे पूछ देगा कि टू फेज का कितना पावर होगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे ना P बराबर 2W, कहेंगे ना। कैसे कह देंगे इसको डायरेक्ट? तो कहेंगे इस सर्किट में मान लीजिए W पावर है, इस पहले वाले सर्किट का पावर W है, तो दूसरी वाली सर्किट का भी पावर कितना होगा? W ही होगा, क्योंकि सब पर समान लोड है। तो जब सब पर समान लोड है तो कितना हो जाएगा? 2W होगा। आपसे पूछ देता है थ्री फेज पे पावर कितना है, थ्री फेज में पावर कितना है? फेज या कला को फाई से डिनोट करते हैं, ठीक। तो थ्री फेज में पावर कितना है? तो पी बराबर कहेंगे कि मान लीजिए इसमें शक्ति डब्लू खपत हो रही है, इसमें भी डब्लू होगी, इसमें भी डब्लू होगी आपका, तो कितना हो जाएगा? डब्लू प्लस डब्लू, और प्लस क्या हो जाएगा? डब्लू, और कितना हो जाएगा? थ्री डब्लू। तो थ्री फेज का पावर कितना हो गया? तो थ्री फेज का पावर हो गया थ्री डब्लू। ये टू फेज का पावर है और एक इसका है सिंगल फेस का पावर। तो लिख लीजिएगा इसको, इस वाले को लिख लीजिएगा, फिगर भी बना लीजिएगा, फिगर भी बना लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा। हाँ, नहीं, अगर हम लगाएंगे तो केवल इस सर्किट का बताएगा, केवल इस सर्किट के पावर को बताएगा, लेकिन इस सर्किट के पावर का बताएगा तो ऐसा बैलेंस कंडीशन में करते हैं, क्योंकि इस सर्किट में जितना पावर होगा उतना ही पावर यहां होगा, उतना ही पावर का खपत यहां होगा, तब ऐसी विधि यूज की जाती है। और कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब पर एक समान लोड रहे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही है, अब मान लो जिस वायर पे आपका कनेक्शन जुड़ा है और फैजल का कनेक्शन दूसरे वायर पे जुड़ा है, अब ऐसा तो नहीं कि आपको एक के टाइम पे और फैजलो एक के टाइम पे अपने घर का स्विच ऑन करिए, ऐसा तो नहीं ना होगा। लोड में तो वेरिएशन होगा ना, वो कभी और अपना काम करेंगे, आप कभी और अपना काम करेंगे। वो हो सकता है अधिक भाई धनवान आदमी है तो 10 पंखा चलाएंगे, आप थोड़े लो कैटेगरी में है तो 4-8 पंखा चलाएंगे, तो क्या पावर एक जैसा रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये विधि यूज नहीं की जाती, क्योंकि वन वाट मीटर सक्सेस नहीं है। एक वाट मीटर से हम नहीं बता सकते पूरे सर्किट का पावर कितना हो सकता है, तीनों फेज का पावर नहीं बता सकते, क्योंकि कभी सर्किट बैलेंस रहती ही नहीं है। सर्किट हमेशा क्या होती है? वेरिएशन में रहती है। ठीक, कर लीजिएगा इसको।
कहां पे फेज अलग से रहता है? जैसे यहां पर हमारे कहने का मतलब है कि ये हमारा वीपीएच है। वीपीएच क्या हो गया? दो फेजों के बीच का वोल्टेज वीपीएच कहलाता है। आई बात समझ में? दो फेजों के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम वीपीएच कहते हैं। सॉरी, दो यानी एक फेज और एक लाइन के बीच का जो वोल्टेज होता है, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है वो कहलाता है आपका फेज। तो ये हमारा फेज है, आई बात समझ में? और ये हमारा क्या फेज वायर है आपका। तो ये फेज फेज ही है आपका। लाइन किसको बोलेंगे? जब दो कला तारों के बीच लेंगे तो उसको लाइन बोलेंगे, तो वो लाइन हो जाता है। मतलब वही फेज, वही करंट, वही पोटेंशियल, ही कौन सा मतलब है? जैसे क्या है कि W का मान रखा है हमने, वाट मीटर जो पावर कैलकुलेट करता है, AC का पावर कैलकुलेट करता है वाट मीटर। तो वाट मीटर जो भी AC का पावर कैलकुलेट करेगा वो होगा VI cos φ। ठीक, ये होता है। तो हमने इसी को लिखा है V की जगह VPH। क्यों VPH लिखा? तो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होता है उसको VPH ही कहा जाता है, कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है वह है VPH। तो इसलिए हमने उसको VPH लिखा है। आगे बात समझ में? उसके बाद हमने लिखा है क्या? IPH। IPH क्यों लिखा? तो IPH इसलिए लिखा कि एक ही फेस में जब धारा जाएगी तो एक ही फेस में बहने वाली धारा क्या होगी? फेज धारा होगी। और ये क्या हो जाएगा? इनटू कॉस फाइव। ये जो दिखाया गया कनेक्शन है वो सीरीज टाइप का होता है, इसलिए इसमें जो बहने वाली धारा होती है वो IL धारा IPH के बराबर होती है। इसलिए हमने IL की जगह IPH की जगह IL लिख दिया। लेकिन VPH का मान VL के बराबर नहीं होता है, तो इसके VPH का मान VL के बराबर जब निकाला जाता है तो VL बाबा कितना आता है? √3 VPH आता है। ये आप लोग पढ़े होंगे कहाँ? जब थ्री फेज सर्किट पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर के बेसिक में, तो वहां ये पूरा डिटेल में वहां पे निकाले थे, पूरा डिटेल में आप वहां जानते हैं। तो वहीं से VPH बराबर क्या लिखे? VPH बराबर लिखे VL/√3। तो VL/√3 हो गया। IL का मान लिखे, यहां से IPH बराबर होता है IPH बराबर IL, तो हमने IL रख दिया, इंटू कॉस फाइव हो गया। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा √3/3 VL/IL cos φ, ये आएगा। अगर हम थ्री फेज का पावर निकालें तो थ्री फेज के पावर में 3 VL/√3 हो जाएगा, इंटू IL इंटू कॉस फाइव होगा। यही वाला मान यहां पर रख दिए क्योंकि ये एक फेज का है, तो एक फेस गुणते तीन यानी तीन फेस का हो जाएगा। तो अब इसी √3 का हम परिमेयीकरण कर दिए हैं, तो जब परिमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √3 VL/IL cos φ, तो ये आएगा। कर लीजिए इसको, ठीक। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, नहीं हुआ है। हो गया, आगे चले। अगली हेडिंग है 3 वाट मीटर विधि। ए भैया अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, 3 वाट मीटर विधि। इसके बाद पढ़ाएंगे क्योंकि 2 ही वाट मीटर तो पढ़ना है, ये सब तो पढ़ना ही नहीं है। हम आपको पहले बता दिए ये सब पढ़ना ही नहीं है। कौन सा पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है 2 वाट मीटर विधि। वही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, 3 वाट मीटर विधि या 1 वाट मीटर नहीं विधि पूछा जाता। लेकिन आपको नॉलेज के लिए बस हम पढ़ा दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। फिगर बनाओ भाई,
इसी के बाद 2 वाट मीटर पढ़ाएंगे। आप लोग अपनी लाइन लाइएगा तो ये सीधा लाइएगा, ऐसे सीधा लाइएगा। हमारा टेढ़ा चला गया है हल्का सा। ये W1 पावर का मापन करेगा, ये W2 मापन करेगा और ये W3, क्योंकि तीनों पर एक समान लोड नहीं होगा। तो ये फिगर कौन सा हो गया? ये फिगर हो गया 3 वाट मीटर विधि का। तो 3 वाट मीटर विधि का फिगर बना लीजिएगा। हो गया। हो गया तो लिखिएगा, इस प्रकार के वाट मीटर विधि का प्रयोग इस प्रकार के वाट मीटर विधि का प्रयोग हो गया इस प्रकार के वाट मीटर विधि का प्रयोग तीनों फेज की अलग अलग सर्किट तीनों फेज की अलग अलग सर्किट अलग अलग सर्किट के पावर का मान ज्ञात करने के लिए अलग अलग सर्किट के पावर का मान ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग किया जाता है इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हो गया। तो इस विधि का किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो अलग अलग सर्किट में पावर का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। पूछ देगा कि बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग में करते हैं कि नहीं, तब करते हैं। चाहे कैसा भी लोड हो उस पर तो पावर बताइए नहीं करेगा, तो वहां पर भी करते हैं। तो चाहे बैलेंसिंग रहे चाहे अनबैलेंसिंग रहे तो पावर तो बताएगा ही बताएगा आपका, और तीनों का बताएगा। तो दोनों में करते हैं, बैलेंसिंग में भी अनबैलेंसिंग में भी इसका यूज करते हैं। ठीक, बना लीजिएगा इसको। अब क्या होगा, अगर थ्री फेस का पावर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पी थ्री फेस बराबर, तो हम दोनों वाट मीटर को क्या करेंगे? तीनों वाट मीटर के पावर को जोड़ देंगे, यही ना करेंगे? तो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन और प्लस इसको भी जोड़ देते तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टू प्लस इसको भी जोड़ देते तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू थ्री। ठीक, तो ये हमारा मान आ जाएगा। या फिर अगर सर्किट बैलेंस होगी तो सर्किट बैलेंस होगी तो बैलेंस के केस में क्या हो जाएगा, बैलेंस होगी तो उस समय W1 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बराबर क्या होगा, W3 बराबर क्या होगा, W। मान सकते हैं ना, जब सर्किट बैलेंस होगी तब, तो उस कंडीशन में यहां हो जाएगा P थ्री फेस बराबर क्या, तो ये हो जाएगा आपका W1 प्लस W2, सॉरी W, इसकी जगह हम तीनों की जगह W लिख देते हैं, तो W प्लस W प्लस क्या हो जाएगा, W बराबर क्या आ जाएगा, 3W आ जाएगा। आई बात समझ। और ये जब सर्किट अनबैलेंस होगी, सर्किट कैसी होगी, अनबैलेंस होगी, तो अनबैलेंस के केस में वैल्यू क्या देगा, तो अनबैलेंस के केस में ये वैल्यू देगा, पी थ्री फेस बराबर डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री। और जब सर्किट बैलेंस हो जाएगी तो तीनों वाट मीटर में पावर कमाने जैसा होगा तो 3W आएगा। तो लिख लीजिएगा इसको। हो गया।
अब जो आपका इंपॉर्टेंट है वो वाला पढ़ाएंगे, टू वाट मीटर विधि वाला। हाँ, रुके हैं, एक पेज ऐड कर रहे थे, क्योंकि टू वाट मीटर विधि में ना लंबा जाएगा, उसमें स्टार का भी पढ़ना है, डेल्टा का भी पढ़ना है, तो इसलिए एक पेज और जोड़ रहे थे उसमें, कि एक पेज और जोड़ दें। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, टू वाट मीटर विधि। हेडिंग है टू वाट मीटर विधि, तो लिखिएगा इस विधि का प्रयोग दोनों स्थितियों में करते हैं, दोनों स्थितियों में करते हैं, चाहे सर्किट बैलेंस हो चाहे सर्किट अनबैलेंस हो, चाहे सर्किट बैलेंस हो चाहे सर्किट अनबैलेंस हो, चाहे सर्किट बैलेंस हो और चाहे सर्किट अनबैलेंस हो। फिगर बन गया, फिगर बना लीजिए। पहली हेडिंग है स्टार कनेक्शन के लिए, दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार और एक डेल्टा, तो ये स्टार कनेक्शन के लिए, ये स्टार कनेक्शन के लिए। तो ये हो गया दो वाट मीटर विधि, इसमें कितने वाट मीटर लगे हैं, दो, डब्ल्यू वन और दूसरा क्या हो गया डब्ल्यू टू, ये दो वाट मीटर विधि होगा। बना लीजिए फिगर को। बनाइए बनाइए, टू वाट मीटर विधि पढ़ा लेंगे तो ये वाला भी हो जाएगा चैप्टर खत्म। तो टू वाट मीटर विधि पढ़ा लेने पर एक चैप्टर हो जाएगा खत्म, आज खत्म कर देंगे एनर्जी मीटर में आधा, ठीक, तो बहुत ज़्यादा चैप्टर उसके बाद नहीं बचेगा, आज एनर्जी मीटर पढ़ाएंगे, एनर्जी मीटर का भी खत्म करेंगे। हो गया बच्चा, ना ना, टू वाट मीटर विधि में न्यूट्रल पर नहीं जोड़ा जाता है, टू वाट मीटर विधि में न्यूट्रल पर नहीं जोड़ते हैं, ये किसी ना किसी फेज पे जुड़ेगा। हाँ लाइन देखा जाएगा, हाँ वीएल इसमें आएगा। हो गया। अच्छा ये बताइए, ये जो आपको दिख रहा है कनेक्शन, ये स्टार कनेक्शन है, ये किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम पर, ये किस नियम पर आधारित होता है? ये वाला जो होता है
स्टार कनेक्शन किरचॉफ के प्रथम नियम में इस पर लागू हो सकता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू हो सकता है इस पर? कहीं आपको बंद परिपथ दिख रहा है का? स्टार कनेक्शन की सर्किट जो होती है वो क्या बंद परिपथ के जैसी होती है? नहीं, उसकी ओपन सर्किट की जैसी होती है। तो कहता है आपका क्यों न्यूट्रल मिल जाता है, इसी में न्यूट्रल क्यों मिलता है? न्यूट्रल कहा नहीं डेल्टा में मिल जाता भैया, डेल्टा में न्यूट्रल मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? रीजन क्या होता है? तो रीजन ये होता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी जब एक से अधिक पॉइंट किसी बिंदु पर मिलते हैं तो यहां पर धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ऐसा कब होता है? किरचॉफ के प्रथम नियम में कि किरचॉफ के द्वितीय नियम में? केसीएल में होता है, ये केसीएल में होता है। किरचॉफ के प्रथम लॉ में ही ना होता है भाई कि तीनों आपके जो फेज वायर है, तीनों फेज वायर जहां पे मिलते हैं तो उस पॉइंट की जो करंट होती है उसका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्योंकि कहता है किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसीलिए ना यहां से न्यूट्रल निकल जाता है आपका। तो जब यह ऐसा होता है आपका तो हम कहेंगे ना कि यहां एक धारा आई वन, एक धारा आई टू, एक धारा आई थ्री आ रही होगी और तीनों का योग शून्य होगा। यह ना कहेंगे भैया, तुम कहेंगे कि ये वाली तार से मान लीजिए आई वन आ रही है, इस वाली तार से आई टू आ रही है और इस वाली तार से आई थ्री आपका है, तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो जब केसीएल लगाएंगे तो केसीएल का जब फर्स्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट रूल के लगाए जाने पे क्या होगा? फर्स्ट रूल के लगाए जाने पर होगा कि ये आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री का जो बीजगणितीय योग होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। यही होगा ना, यानी ये कहने का मतलब है सिग्मा आई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। यही नहीं कहता है केसीएल? केसीएल कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और ऐसा स्टार में ही होता है आपको देखने को मिलता है, क्योंकि स्टार में ही यहां पर न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होता है, किसी और में नहीं प्राप्त होता है, इसीलिए इसमें केसीएल ही लागू होगा। आगे बात समझ में? तो यह केसीएल पर लागू होता है, इस पर जो लागू होता है वो केसीएल लागू होता है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि इसमें हमारी धारा क्या है? आई वन है, आई वन है, या मान लीजिए इसको आई वन नहीं नाम दे देते, इसको आई आर नाम दे देते हैं, तब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, हम नाम दे दिया आई आर। मान लीजिए इसमें जो धारा है वो क्या है आपका? आई वाई है। इसमें जो धारा है वो क्या है आपका? आई बी है ना। तो हमने तीनों में धारा का नाम मान लिख दिया कि इसमें आई आर है, इसमें आई वाई है और इसमें क्या है? आई बी धारा है। हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं आई आर बराबर आई वाई बराबर आई बी, सॉरी गलती हो गया, हम कह सकते हैं आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी बराबर जीरो। यही कहेंगे ना, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी बराबर क्या? जीरो। यही कहेंगे ना, यही कह सकते हैं ना भाई। तो हम ये वैल्यू कहेंगे बराबर जीरो, ये हो गया। अब क्या होगा आपको भाई? अब यहां से किसमें वाट मीटर नहीं लगा है? ये आई आर को तो ये वाट मीटर कैलकुलेट करेगा, आई बी को तो ये कैलकुलेट करेगा, आई वाई को कौन कैलकुलेट करेगा? तो हम क्या आई वाई का मान निकाल लें? तो आई वाई बराबर क्या हो जाएगा? आई वाई का मान निकालेंगे तो आई वाई बराबर हो जाएगा आपका माइनस आई आर, और क्या हो जाएगा? माइनस आई आर और माइनस क्या हो जाएगा? आई बी। ये वैल्यू आएगी, आई वाई का मान ज्ञात करेंगे तो आएगा ना। अब हम क्या करेंगे? अब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कौन सी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे? तो अब हम यहां जानते हैं ये थ्री फेस का वाट मीटर पढ़े थे, थ्री फेस के वाट मीटर का मान क्या था? पी थ्री फेस का पावर कितना होता है? डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री होता है ना। तो थ्री फेस के पावर का मान होता है पी थ्री फेस के पावर का मान होता है कितना? तो ये होता है डब्ल्यू वन और प्लस डब्ल्यू टू और प्लस क्या होता है? डब्ल्यू थ्री। यही होता है। अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो इसका मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे वी आर आई आर, ये रखेंगे ना कि इसमें पावर क्या है, तो वी आई रखेंगे तो इसमें कहेंगे वी आर आई आर होगा, ठीक। उसी तरह से इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी वाई आई वाई होगा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्लस वी बी आई बी होगा, होगा कि नहीं? अब एक बात बताएगा, अब ये आई वाई का मान हमने निकाला है कि आई वाई का मान कितना आएगा? हम क्या आई वाई का मान यहां रख सकते हैं? बोले भाई रख सकते हैं ना। तो जब आई वाई का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी आर आई इंटू क्या हो जाएगा? आई आर और प्लस ये हो जाएगा वी वाई और कोष्ट में क्या हो जाएगा? माइनस आई आर
माइनस आई बी, ये होगा, होगा कि नहीं बोलो भाई। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस वी बी इंटू आई बी होगा, हम अंदर गुणा कर सकते हैं इसका। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर आई आर, अब प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वी वाई आई आर, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वी वाई आई बी होगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वी बी आई बी होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो को एक साथ ले सकते हैं, किसको किसको, तो इसमें भी आई आर का पद है, इसमें भी आई आर का पद है, इसमें भी आई बी का पद है, इसमें भी आई बी का पद है ना, कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से अगर हम आई आर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आई आर, और ये क्वेश्चन में क्या हो जाएगा वी आर, और माइनस क्या हो जाएगा वी वाई होगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस इसको लेंगे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, जब यहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो प्लस कर देते हैं, प्लस यहां पे क्या कॉमन ले लेंगे, यहां पे हम ले लेंगे ये, हम आई बी ले सकते हैं कॉमन, आई बी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा वी बी, और माइनस क्या हो जाएगा वी वाई होगा। बोलो भाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका आई आर, तो इसको लिखेंगे आई आर, आई आर इंटू, इसको हम क्या लिखेंगे वी आर माइनस वी वाई है, तो ये वी आर माइनस वी वाई बराबर क्या हो जाएगा वी आर वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी आर वाई, ये हो जाएगा वी आर वाई होगा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा प्लस आई बी होगा, ये आई बी, इसको क्या लिख सकते हैं वी बी माइनस वी वाई को, तो इसको लिख सकते हैं वी बी वाई, वी बी वाई होगा। बोलो भाई होगा कि नहीं, ये किसका मान है, ये तो थ्री फेस के पावर का ही ना मान है आपका, है ना, तो ये थ्री फेस ही नहीं निकल के आ रहा है यहां से, यहां से तो थ्री फेस ही निकल के आ रहा है, थ्री फेस का ही ना पावर आ रहा है, नहीं वो आया ही नहीं है लड़का, तो ये आ जाएगा कितना पी थ्री फेस में इतना आ जाएगा, आएगा। अब क्या हो जाएगा पी थ्री फेस बराबर, थ्री फेस बराबर ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये वाला जो है आई आर और वी आर वाई है ना, ये एक तार है ना, इसको आई पी एच कह सकते हैं, और ये स्टार कनेक्शन में आई पी एच बराबर आई एल होता है, होता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आई एल होगा, और ये क्या है, ये दो कला तार है ना, दो कला तार होगा ना आर वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो कला तारों को जब एक साथ दो कला तार होते हैं तो उसको क्या लिखा जाता है, वी एल लिखा जाता है ना, भूल गए का तुम लोग, अरे निकलवाए थे नहीं, वी आर वाई बराबर वी वाई बी, हाँ बराबर ऐसे करके वी एल नहीं निकलवाए थे क्या, निकलवाए थे कि नहीं, याद है, उसी तरह से वी आर बराबर वी वाई बराबर ऐसे करके निकलवाए थे, इसको क्या बोलते थे, वी पी एच बोलते थे, ऐसा नहीं निकलवाए थे, और तुमको बताए थे वी आर वाई का मतलब क्या होता है, वी आर वाई का मतलब होता है वी आर माइनस वी वाई होता है ना, हाँ ये क्या बताता है, इसको हमने बताया भी था कि इसको पीछे बढ़ाते हो, पीछे बढ़ाते हो तो ये क्या बताता है, ये माइनस वी वाई जो है वो वी वाई डैश को बताता है, जो पीछे बढ़ा के मान को निकाले थे, था ना, तो वो मान था आपका, तो इसको हम ऐसे भी लिखते थे वी आर और प्लस वी वाई डैश ऐसा कहते थे। तो ये सब एसी सर्किट में पढ़े हो, इतना जल्दी सब भूल जाओगे भैया, तो पीछों का याद रखो कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एल, और वी आर वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एल, और प्लस इसको क्या कह सकते हैं आई एल, और इसको क्या कह सकते हैं वी एल, तो ये क्या बताया वी इंटू आई, तो ये बताया ना पी थ्री फेस बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू वन, क्यों डब्ल्यू वन लिख सकते हैं, क्योंकि ये आर का है, आर वाई यानी आर के बीच का है, तो ये डब्ल्यू वन का ही नाम है, डब्ल्यू वन में क्या है, ये धारा जो जा धारा है इसमें आई आर है, तो ये आई आर है, वोल्टेज कहां से कहां का है, तो वोल्टेज इसके से इसके बीच का ही ना, आर से वाई के बीच का ना वोल्टेज है, तो आर से वाई के बीच का वोल्टेज है, तो कह सकते हैं ना इसको कि ये हमारा डब्ल्यू वन की वैल्यू है, ये हमारा डब्ल्यू वन की वैल्यू कह सकते हैं ना। उसी तरह से प्लस क्या कह सकते हैं, प्लस कह सकते हैं कि ये वाला जो है आई बी, यानी इसमें जो धारा है वो क्या है आई बी है, तो ये हमारी धारा क्या हो गई आई बी हो गई, और इसका जो वोल्टेज है वो अब बी से वाई के बीच है, तो बी से वाई के बीच वोल्टेज है, तो ये हमारा वोल्टेज हो गया, तो ये हमारा किसका मान मिला, ये W2 का मान मिला, तो ये क्या मिला W2 का मान मिला। तो क्या थ्री फेस के पावर के फार्मूले पे ये W1 प्लस W2 आया, बोले भाई हम थ्री फेस के पावर का मान रखे थे ना, यहाँ पे तो हम थ्री फेस के पावर का मान रखे थे ना,
पी थ्री फेस बराबर डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री, लेकिन ये मान क्या दे दिया, ये दिया ना मान पी थ्री फेस बराबर डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, निकल के आया ना। तो थ्री फेस का पावर टू फेस के पावर के बराबर है कि नहीं, सॉरी टू वाट मीटर के बराबर है कि नहीं। तो थ्री फेस के पावर का मान टू वाट मीटर के बराबर आया, निकल के आया ना कि टू वाट मीटर भी लगाएंगे तो इतना ही पावर होगा, क्योंकि इसी से ना ये मान आ रहा है आपका। तो ये क्या है, तो ये आपका टू वाट मीटर के विधि के द्वारा ही हम क्या करते हैं, थ्री फेस के वाट मीटर सॉरी थ्री फेस के पावर का मान ज्ञात कर ले। तो ये पूरा नोट कर लीजिएगा, ये जितना है सब नोट कर लीजिए ठीक। टू वाट मीटर विधि में ये स्टार कनेक्शन का है, ये जो है वो किसका है, ये स्टार का है। अब पढ़ना है किसका, डेल्टा। जैसे ये स्टार कनेक्शन में पढ़े हैं, इसके बाद अब कौन सा पढ़ेंगे, अब हम डेल्टा कनेक्शन पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, एक स्टार का बता दिया, एक डेल्टा का। आपसे एग्जाम में आएगा तो ये नहीं कहेगा स्टार का बनाओ कि डेल्टा का बनाओ, आप कोई सा भी बना सकते हो हाँ, लेकिन हम दोनों बता देते हैं, हमारा काम भैया दोनों बताने का, हम दोनों बताते हैं आपको, स्टार वाला भी डेल्टा वाला भी। कर लीजिए, बस एक टॉपिक और बचा है इसमें, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। आ जाइए स्टार्ट हुआ, आ जाइए द एंड हो गया। हाँ जी, अब इसके बाद चलेंगे एनर्जी मीटर पे, क्योंकि जितने भी डिजिटल है ना, जिससे डिजिटल एनर्जी मीटर है, डिजिटल वाट मीटर है, तो ये सब एक ही में पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जब पढ़ाएंगे तब, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है ना, तो डिजिटल टाइप जितने भी होंगे वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे, तो वहीं पर पढ़ाएंगे डिजिटल वाट मीटर, डिजिटल एनर्जी मीटर, जितना भी टॉपिक रहेगा सब वहीं पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में पढ़ाएंगे, मल्टीमीटर, सीआरओ, डिजिटल वाट मीटर, डिजिटल एनर्जी मीटर। हालांकि आपका डिजिटल दे दिया है आपकी किताब में, लेकिन वो सिलेबस में है ही, अरे वो आपका सिलेबस में दिया है लेकिन किताब में कहीं नहीं दिया है, किताब में छपा ही नहीं है, डिजिटल एनर्जी मीटर और डिजिटल मल्टीमीटर इसके बारे में कुछ नहीं दिया है। डिजिटल एनर्जी मीटर के बारे में, डिजिटल वाट मीटर के बारे में, मल्टीमीटर के बारे में तो दिया भी है कि मल्टीमीटर क्या होता है। हो गया, करिए करिए जल्दी जल्दी करिए।
ये वाला हो गया टू वाट मीटर विधि। तो टू वाट मीटर विधि में हमने आपको सबसे पहले बता दिया कि ये केसीएल पे लागू होता है। केसीएल पे क्यों लागू होता है? क्योंकि इसमें न्यूट्रल मिलता है, और न्यूट्रल कहीं तभी मिल सकता है जब केसीएल लागू हो, क्योंकि केसीएल कहता है किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो किसी बिंदु पर मिलने वाली, तो जब दो तार मिलेंगे तो थोड़े हो जाएगा, दो से अधिक मिलता है तब होता है, जब वो दो से अधिक मिलता है तब। तो दो से अधिक यानी ये तीन है, तो ये तीन तार एक जगह पे आके मिले हैं, तो वहां धारा का मान क्या हो गया? शून्य। तो ये हो गया है I1 plus I2 plus I3 is equal to zero, या सिग्मा I is equal to zero आपका। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, या हम I1, I2, I3 का मान ले लेते हैं, I1, I2, I3, I1 की जगह हमने IR कह दिया, I2 की जगह IY कह दिया, और I3 की जगह IB कह दिया, जो इनका नाम है वो नाम दे दिया है आपका। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो के बराबर हो गई। तो हमने क्या किया यहां पे, हमने दिमाग लगाया कि वाई पे तो हमने कोई वाट मीटर जोड़ा नहीं है, तो हम इस वाले धारा को ही निकाल लेते हैं, IY को, क्योंकि इसमें तो वाट मीटर लगा है, इसमें वाट मीटर लगा है, तो इन दोनों को क्यों निकाले? जो नहीं हम उसको निकाल लेते हैं। तो हम इसको निकालिए, इस पे वाट मीटर नहीं लगा था, तो हमने IY का मान निकाल लिया, तो IY बराबर आ गया -IR, -IB आ गया, आ गया। अब यहां से ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू हम पुटअप करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या, हम थ्री फेज का मान लिखेंगे। हमने सबसे पहले थ्री फेज का मान लिख दिया कि थ्री फेज बराबर इतनी वैल्यू होती है जो हमने पिछले थ्री वाट मीटर में निकाला है, कि थ्री वाट मीटर में हमने ये आपका मान निकाला है। तो क्यों पहले थ्री वाट मीटर पढ़ा है? थ्री वाट मीटर इसीलिए पहले पढ़ाया गया आपका, थ्री वाट मीटर इसीलिए पहले पढ़ाया गया कि P3 फेज बराबर W1 प्लस W2 W3 हो जाए, यानी यहां से आपका ये वाले सामने निकलवाया कि यहां पर आपका थ्री फेज का पावर मिला था हमको W1 प्लस W2 प्लस W3, ये थ्री फेज का पावर मिला था। यही पावर की जो वैल्यू थी, यही पावर की वैल्यू हमने यहां पे लिखा है। W1 बराबर लिखा है VRIR, W2 बराबर लिखा है VYIY, और W3 लिखा है VBIB, और यही मान हमने जो IY का यहां पे कैलकुलेट किया है, वही IY का मान रख दिया है। IY का मान रख दिया यहां पे हमने -IR और -IB, ये वाला मान रख दिया। जब इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा मान निकल के आएगा। अब यही जो है, इसी को हम लिखते हैं VRY। जैसे कहीं पर ऐसे लिखा होगा V12, इसका मतलब क्या है? V1 माइनस V2। पढ़े कि नहीं? अच्छे पढ़े, पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे आप लोग। तो V12 बराबर V1 माइनस क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो यहीं से हम ये मान लिखे हैं, यहीं से इसको लिख दिए VRY, जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो VRY ये हो गया VBY। तो अब इसका मान निकालेंगे, तो ILVL और हो जाएगा ILVL। हाँ है, 12 बजे नहीं पता। तो ये क्या जाएगा? P3 फेज बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 हो जाएगा। तो ये आ गया थ्री फेस का पावर। अब क्या निकालेंगे? अब डेल्टा कनेक्शन में, तो डेल्टा का फिगर बनाइए सबसे पहले। यही डेल्टा का फिगर होता भैया? ए बच्चा, डेल्टा का फिगर बनाओ। ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बचाओ, फिगर बनाओ जाओ। ये लाल फिगर बनावा, तो ये आर हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई वाई, और ये क्या हो जाएगा? यहां से जब हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। W1 W2, हाँ बाबू, बस डेरिवेशन ही करने के लिए आएगा, डेरिवेशन ही आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक। RYB ए लिखला हो, हाँ किसी फेस में लगा सकते हैं, चाहे आप इसमें इसमें लगाइए, चाहे इसमें इसमें लगाइए, किसी में भी लगा दी, कहीं भी दो ठो लगना चाहिए बस। हाँ
बस मान रखना हमें। इसके पिछला वाला जो पढ़े थे वो स्टार के लिए, और ये वाला जो पढ़ रहा है वो डेल्टा कनेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। आगे बात सुन, ठीक। डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन जो होता है वो किस तरह का होता है भाई? ये जो डेल्टा कनेक्शन होता है वो वोल्टता पर आधारित होता है। वोल्टेज में क्या कहता है, वोल्टता केवीएल क्या कहता है, मिलने वाले समस्त जितनी भी वोल्टताएं होती हैं उनकी वोल्टताओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी केवीएल में क्या होता है, केवीएल रूल में आपका, तो इसमें कहीं वोल्टेज ड्रॉप तो आपको दिख नहीं रहा है, तो सारी वोल्टताएं ही दिख रही हैं। तो हमारा हो जाएगा केवीएल में क्या, वी वन प्लस वी टू और प्लस वी थ्री बराबर क्या, जीरो। आई बात समझे, वी वन, वन को बोलेंगे हम आर, तो वी आर और प्लस क्या हो जाएगा, वी वाई और प्लस हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू क्या, जीरो। हमको किसका मान निकालना है, तो हमको मान निकालना है किसका, y के लिए। y पे तो हमने कुछ नहीं लगाया, तो हम y का मान निकालते हैं। तो जब y का मान निकालेंगे तो vy बराबर क्या हो जाएगा, vy बराबर vr माइनस vb, ये होगा ना। तो माइनस vr माइनस क्या आ जाएगा आपका, vb। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं थ्री फेज के पावर का मान, थ्री फेज के पावर का मान होता है w1 वन प्लस w2 टू प्लस क्या होता है w3, यही होता है। हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम पी थ्री फेस बराबर, पी थ्री फेस बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू वन का मान, तो वी आर आई आर होगा। डब्ल्यू टू का मान क्या हो जाएगा, तो वी वाई आई वाई, और प्लस डब्ल्यू थ्री का मान क्या हो जाएगा, तो वी बी आई बी, ये होगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू, किसका मान निकालेंगे, तो हम निकालेंगे वी वाई का मान। तो वी वाई बराबर क्या होता है, तो वी वाई बराबर होता है माइनस वी आर माइनस वी बी, तो हम भी वाई का मान निकालेंगे। तो पी थ्री फेस बराबर हो जाएगा, जो मान निकाले हैं वही मान हम रख देते हैं, तो वी आर आई आर, और ये क्या हो जाएगा प्लस भी वाई का मान क्या आया है, तो ये आया है माइनस भी आर माइनस भी बी, और फिर क्या है आई वाई, और फिर क्या है प्लस भी बी आई बी, यही है। अब मान कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी थ्री फेस इज इक्वल टू थ्री फेस का पावर कितना आ जाएगा, तो वी आर आई आर
ये वाला जो कनेक्शन है ये डेल्टा कनेक्शन है, और डेल्टा कनेक्शन में VL, VL क्या होता है ये जान लो। डेल्टा कनेक्शन में VR हो, चाहे VY हो और चाहे VB हो, इसको बोला ही जाता है VL। आई बात समझ में? उसी तरह से VRY, चाहे VYB और चाहे VBR हो, इसको भी बोला जाता है VL। आई बात समझ में? ये होता है क्यों? क्योंकि ये वोल्टता पर आधारित है, तो वोल्टता पर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, लेकिन लाइन करंट फेज करंट के बराबर नहीं होता है। ये जो था पिछला वाला, ये धारा पर आधारित था, किरचॉफ के केसीएल पर आधारित था, इसलिए आईएल बराबर आईपीएच था, लेकिन वीएल बराबर वीपीएच नहीं था, वीएल बराबर √3 वीपीएच था। वीएल बराबर कितना था? वीएल बराबर √3 वीपीएच था। आई बात समझ में? तो ये चीज था, इसलिए हमारा क्या निकालना पड़ा, यहां पे हमको निकालना पड़ा, ये जो मान दिया वो VL बराबर √3 वीपीएच है, तो हमको VL लेना पड़ा, VL लेना पड़ा यहाँ पे, VL का मान। और IL आए चाहे IPH आए, बात एक ही है आपका, तो यहाँ IL लिखे चाहे IPH लिखे, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का मान आपस में बराबर होता है, नहीं कि इसका मान VL का मान √3 वीपीएच का होता है, इसलिए हमको VL ही चाहिए यहाँ, तो ये VL निकल के आया है। आई बात समझ में? तो अभी आप एक बार फिर से जा करके घर पे ना बड़े आराम से स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन को पढ़ लीजिएगा, तो बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो देख लो भैया, ये केवीएल पे आधारित था, तो इसीलिए हमने कहा कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या? जीरो। तो ये VR प्लस VY प्लस VB बराबर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो यहां पर VR बराबर VY बराबर हमने निकाला, क्यों VY बराबर निकाला, किसी और के बराबर क्यों नहीं निकाला? तो इसलिए निकाला VR बराबर, क्योंकि यहां पर सॉरी VY बराबर इसलिए निकाला क्योंकि यहां पे VY पे कोई वाट मीटर नहीं था, इसे हमने VY का मान ही कैलकुलेट किया, और जब VY का मान कैलकुलेट किया तो माइनस VR माइनस क्या आ गया? भी आ गया। अब हम थ्री फेस का फार्मूला जानते हैं कि P थ्री फेस बराबर क्या होता है, W1 प्लस W2 प्लस W3 होता है। ये मान हमने आपको निकलवाया, कहां से निकलवाया? तो ये हमने पिछले वाले से निकलवाया था, इससे निकलवाया था थ्री फेस। तो आप बात समझ में आई, पहले थ्री फेस क्यों पढ़ाए थे? इसीलिए पढ़ाए थे, नहीं बार बार कहते कि थ्री फेस में ये मान कहां से आता है, तो इसलिए पहले थ्री फेस में पढ़ाया कि थ्री फेस का मान जान लो कितना आता है। तो थ्री फेस का मान ये आता है, हमने यहां पर थ्री फेस का फार्मूला रखा, यहां पर थ्री फेस का फार्मूला रख दिया कि थ्री फेस का फार्मूला ये होता है, फिर हमने थ्री फेस के फार्मूले पर मान रख दिया उनके, कि उनके अपने अपने क्या क्या मान होंगे वो रख दिया हमने। तो ये मान हमने सबका रख दिया। मान रखने के बाद जो हमने ये निकाला था भी वाई बराबर, इस भी वाई वाले मान को हमने इसे यहां पर पुट कर दिया। तो यहां पर जब हम इस मान को रख दिए, यहां पर ला करके इस मान को रख दिए, तो यहां से आपको हो गया माइनस वी आर माइनस वी बी, हो गया दोनों का गुणा हो गया अंदर आई वाई का। तो जब आई वाई का दोनों का गुणा हो गया, तो यहां कॉमन वी आर, यहां कॉमन वी आर, तो हमने वी आर कॉमन ले लिया, आई आर माइनस आई वाई हो गया। इसी तरह से यहां कॉमन था वीबी और यहां कॉमन था वीबी, तो हमने वीबी कॉमन ले लिया, तो वीबी जब कॉमन लेंगे तो आईबी माइनस आई वाई हो जाएगा, होगा। तो यहां से निकल के आएगा क्या? वी आर और इंटू आई आर वाई आएगा, उसी तरह से वीबी इंटू आई बी वाई आएगा, और ये क्या हो गया? वी आर को ही हम बोलेंगे वीएल और आई आर वाई को ही बोलेंगे आईएल, बोलेंगे क्योंकि दो फेजों के बीच की जो धारा होगी वो लाइन धारा होगी, तो ये आईएल हो जाएगा। उसी तरह से ये होगा वीएल इंटू आईएल, तो ये मान मिल रहा है हमको, तो ये लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन इसके बाद इस वाले मान के बाद, इस वाले मान के बाद ये जरूर लिखना चाहिए, ये मान जरूर लिखना चाहिए। आई बात समझो? क्योंकि ये वाला जो मान है ये W1 दे रहा है और ये वाला जो मान है वो W2 दे रहा है, ठीक। तो ये हमने लिखा है कि देखो वी और आई है, तो वी और आई का गुणनफल ही W होता है या पावर होता है, इसे हमने यहां पर लिखा है W1 प्लस W2। तो यही P3 फेज वाला क्या हो गया? W1 प्लस W2 आया। तो यहां साफ साफ दिख गया आपको कि थ्री फेस के पावर का मान रखे सर जी, थ्री फेस के पावर का मान रखे, लेकिन यहां पे निकाल दिया क्या? टू फेस का, यानी टू वाट मीटर का मान निकाल दिया है, तो थ्री फेस के पावर का मान टू वाट मीटर के मान के बराबर आ गया, ठीक। तो ये वाला चैप्टर हो गया खत्म, अब हम लोग चलेंगे कहां? एनर्जी मीटर पे।